अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है कि जब तक रूस और चीन को होश नहीं आ जाता तब तक अमेरिका भी परमाणु हथियारों को बढ़ाता रहेगा। ट्रंप ने कहा कि रूस और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि रूस ने 1987 की शस्त्र नियंत्रण संधि का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर ट्रंप भी शीत युद्ध के दौरान की गई इस संधि से अमेरिका के हटने की बात कह चुके हैं। INF संधि के कारण रूस और अमेरिका के बीच मिसाइलों की संख्या नियंत्रित होती है और इसकी समय सीमा आगामी 2 वर्षों में खत्म हो रही है, जबकि रूस ने किसी भी उल्लंघन का खंडन करते हुए चेताया है कि यदि अमेरिका और हथियार बनाता है तो वो भी इसके जवाब में हथियार बनाएगा। इसी बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हम ज़्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे, रूस ने इस समझौते का पालन नहीं किया, हमारे पास दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पैसा है और हम परमाणु हथियार तब तक बनाएंगे जब तक कि दूसरे देश होश में नहीं आ जाते। ट्रंप यहीं चुप नहीं रहे बल्कि उन्होंने जोर देकर पत्रकारों से कहा कि ये धमकी है और आप इसमें जिसे चाहे शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें चीन को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें वे सभी देश आ जाते हैं जो खेल खेलना चाहते हैं और जिन्होंने समझौते की भावना का पालन ही नहीं किया।